नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर कस्बे और ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 3 नए केस जेवर कस्बे से मिले हैं। जेवर के एक कोरोना संदिग्ध दुकानदार की मौत हो चुकी है, वहीं 2 युवक भी कोरोना संक्रमण का शिकार पाए गए हैं। कस्बे के 3 मोहल्ले मल्लपड़ा, सराय नैन सिंह और वैश्य खटीक में 3 नए कोरोना संक्रमित मिलने से कस्बे में कोरोना सनसनी फैल गई है। प्रशासन ने तीनों मोहल्लों को सील कर दिया है और सैनिटाइज का छिड़काव कराया गया है। लोगों को बाहर आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ताजा घटना में जिस कोरोना संदिग्ध व्यक्ति की मौत हुई है, वह जेवर कस्बे के मेन बाजार में दुकानदार थे। 2 दिन पहले ही उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराया था। निजी लैब की जांच में वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को क्वारंटीन सेंटर में भर्ती कराया गया था। 60 वर्षीय कोरोना संदिग्ध दुकानदार की मौत हो जाने के बाद कस्बे और क्षेत्र में कोरोना का भय फैल गया है। जिला प्रशासन ने दुकानदार की कोरोना से मौत की पुष्टि नहीं की है, उसका दोबारा सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। इस घटना के बाद जेवर कस्बे में मुनादी कर सराय नैन सिंह मोहल्ले मल्लपाड़ा और मोहल्ला वैश्य खटी, इन तीनों मोहल्लों को सील कर दिया गया है। इन मोहल्लों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर मोहल्ले के लोगों को कस्बे से बाहर जाने और बाहर के लोगों को इन मोहल्लों में आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसकी सार्वजनिक मुनादी भी करा दी गई है। जेवर कस्बे में इन 3 नए केसों के मिलने से पहले आंखों के एक डॉक्टर, किला कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इससे पहले जेवर तहसील के जौनचाना रामपुर गांव में 2 व्यक्ति और फलेदा गांव में 8 माह का एक बच्चा कोरोना संक्रमित पाया गया था। जेवर कस्बे सहित क्षेत्र में अब तक 10 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। क्षेत्र और कस्बे में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों में कोरोना का भय फैल रहा है। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों को कोरोना से बचाव के भरपूर उपाय तेज कर दिए हैं। जेवर कस्बे और आसपास के गांव में पहले ही सैनिटाइज का छिड़काव करा दिया गया है। शुक्रवार को भी जेवर कस्बे के सराय मोहल्ला नैन सिंह और मोहल्ला वैश्य खटीक में जेवर तहसील प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मोहल्ले की गलियों को सैनिटाइज कराया। आप देख रहे हैं, शुक्रवार को कस्बे के इन दोनों मोहल्लों को सैनिटाइज कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय और एहतियात बरतने की अपील कर रही है। जेवर कस्बे और क्षेत्र में कोरोना के जो 10 मरीज मिले हैं, उनमें से एक डॉक्टर और 2 अस्पताल कर्मी थे। ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में काम करने वाला रामपुर का एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया था। वहीं जेवर के एक निजी अस्पताल में काम करने वाला व्यक्ति भी कोरोना संक्रमण का शिकार हुआ था। वहीं सबसे पहले जेवर के एक निजी अस्पताल में आंखों के एक डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए थे। यह जेवर की मंगरौली रोड के एक फार्म हाउस में रहते थे। इधर धनकौर रेलवे स्टेशन के समीप बसी मंडी श्यामनगर कस्बे को भी सील किया गया है। मंडी श्यामनगर कस्बे की एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। कस्बे की उस गली को सील कर दिया गया है। निकटवर्ती सिकंदराबाद कस्बे को भी कोरोना संक्रमण के चलते सील किया गया है। आप देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल, सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और देखते रहें रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल, सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ।